ओके क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स देखें। क्वेश्चन नंबर 7 ऐसा है, आंसर्स बोलो, आसान है बहुत। क्या आंसर है? आंसर है बी सी और डी, राइट। तो आंसर है बी सी और डी, बी सी और डी, बहुत आसान है। क्या क्या करना है, क्या क्या फंडे लगेंगे? तो कंटिन्यूटी क्वेश्चन, मतलब कंटिन्यूटी का A1 V1 इज इक्वल टू A2 V टाइप्स की क्वेश्चन लगे। क्रॉस करंट कांस्टेंट है, क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी कर रहा है, तो गेट ऑफ वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होगी? जहाँ क्रॉस सेक्शन सबसे लीस्ट है, और वो किधर है? B पर, इज दैट नॉट? तो क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैक्सिमम होगी? जहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैक्सिमम होगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड E उस जगह पर कैसी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड E और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या संबंध है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इज इक्वल टू क्या है रिलेशनशिप? E E बाय M इंटू टाउ, यही है, इज इट नॉट? तो जहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैक्सिमम वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैक्सिमम, इज इट नॉट? अच्छा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी में क्या संबंध है? J इज इक्वल टू सिग्मा E, यही है, J इज इक्वल टू सिग्मा E, है ना? है, जहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैक्सिमम वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम और वहाँ करंट डेंसिटी भी मैक्सिमम, और ये सारी बातें कहाँ होंगी? जहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया मिनिमम होगा, और वो कौन सा स्पॉट है? बी, है ना? तो बी स्पॉट पर क्या सभी लोग मैक्सिमम होंगे, चाहे ई बी की बात करें, चाहे वी बी की बात करें, चाहे जे बी की बात करें, ऐसा नॉट? सब लिंक्ड है आपस में, राइट? और मिनिमम वैल्यू कहाँ लेंगे? जहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया मैक्सिमम है, वो कहाँ है? सी पर। तो क्या सी पर सभी लोग अपने आप मिनिमम पर पहुंच जाएंगे? तो क्या एक जैसा ऑर्डर रहेगा तीनों का? ऐसा ही है, तो तीनों का एक जैसा ऑर्डर रहेगा, बी ए सी ऐसा चलेगा, है ना? हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ चले तो बी, फिर ए, फिर सी, सिंपल, इज इट नॉट? बहुत ही आसान। अच्छा जी, 8th को देखें, 8th क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 तो metal sphere of radius A is surrounded by concentric metal sphere of inner radius B where B is greater than A. A metal sphere of radius A, B is greater than A, surrounded by concentric metal sphere of inner radius B where B is greater than A. Space between these spheres is filled with a material whose electrical conductivity varies with electric field strength as this. K is constant, potential difference V is maintained between these spheres. Okay, तो क्या सिचुएशन है? दो concentric shell जैसा खेल है ना? अंदर का रेडियस है A, बाहर का रेडियस है B. तो सिचुएशन कुछ इस प्रकार की हो गई, ऐसा कुछ हो गया, दिस रेडियस इज A एंड दिस रेडियस इज B, राइट? और ये जो स्पेस है, इस स्पेस में आपने वो मटेरियल फिल कर दिया है जिसका कंडक्टिविटी कांस्टेंट नहीं है, कंडक्टिविटी वेरी कर रहा है किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड E के साथ वेरी कर रहा है, एस सिग्मा इज इक्वल टू के इंटू ई। तो सिग्मा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के इंटू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वेरी कर रहा है, ऐसा है। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन बिटवीन द स्पेस, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, अंदर बाहर बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो मान लेते हैं कि बैटरी से कनेक्ट कर देने पर यह V पोटेंशियल पर आ गया और मान लेते हैं 0 पोटेंशियल पर आ गया, करंट फ्लो करने लगेगा। कैसा करंट फ्लो करेगा? रेडियल डायरेक्शन में, 3 डायमेंशनली सिमेट्रिक, इज इट नॉट? तो रेडियल डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, ऐसा कुछ करंट फ्लो करना शुरू कर जाएगा इस सिस्टम में। मैंने अंदर का हायर पोटेंशियल माना है, इस वजह से करंट अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, ऐसे, है ना? ये बिल्कुल भी नई सिचुएशन नहीं है, बहुत बार हम इसको देख चुके हैं, जगह जगह पर हम इसको देख चुके हैं, है ना भाई? ऐसा है। अब वो क्या चाहता है? वो चाहता है, बता दो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, करंट बता दो क्या है, और बता दो, दो में तो ये और भी तो करंट पूछा, और फिर क्या पूछा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी स्फेयर्स पूछा। तो करंट बता दो और पोटेंशियल डिफरेंस बता दो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी स्फेयर्स। ओके जी, तो लेट अस फर्स्ट टॉक ऑफ करंट, करंट की बात करें। करंट कैसे निकालें, क्या करें? करंट निकालने के लिए क्या करा जाए? करंट निकालना है मुझे, तो मैं क्या करूँ? तो अगर मैं ऐसा एक शेल जैसे इमेजिन करूँ, कर सकता हूँ ऐसा अगर मैं शेल जैसे इमेजिन करूँ, इस तरह की कोई सिचुएशन सोचूं, तो क्या इसको करंट क्रॉस करके ऐसे जा रहा होगा, राइट? तो इस तरह से करंट वुड बी मूविंग लाइक दिस। क्या टोटल करंट वुड बी कांस्टेंट? टोटल करंट वुड बी कांस्टेंट, राइट? तो मान लेते हैं अगर आपने आर रेडियस का ऐसा एक शेल जैसा सोचा, एलिमेंटल शेल जैसा सोचा, तो टोटल करंट जो इसको क्रॉस कर रहा होगा वो तो कांस्टेंट होगा, है ना? हेंस अगर मैं करंट पर यूनिट एरिया अगर लिखूं, टोटल करंट को अगर मैं आई बोल दूं, तो करंट, अगर टोटल करंट आई है, तो करंट पर यूनिट एरिया कितना बन जाएगा? आई डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर। क्या ये जे बनेगा ओवर द सरफेस ऑफ दिस शेल? और क्या वो कांस्टेंट होगा? क्या वो आइडेंटिकल होगा? क्यों? क्योंकि हमने सिमेट्रिसिटी ले ली है। तो आई डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर इज बेसिकली जे, और जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, is that not? J is equal to sigma into E, so this is like J and J is like sigma into E and what is sigma? Sigma is K into E, hence this becomes kitna? K into E ka square, सही है? करंट तो चाहिए था अपने को, 4 पाई r² को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें। हैज द करंट दैट इज फ्लोइंग वुड बी एज सिंपल एज 4 पाई r² मल्टीप्लाइड बाय k मल्टीप्लाइड बाय e का स्क्वायर। एक आंसर तो ये आ गया है ना, बहुत आसान, वेरी इजी। बोलो निकाल पाए थे क्या करंट? निकाल पाए थे? निकाल पाया था कोई? निकाल पाए थे? कितना आसान है, कुछ तो करना नहीं है, सो इजी है ना। कहाँ इंटीग्रेशन, क्या बात का इंटीग्रेशन? वाई वुड यू वांट टू इंटीग्रेट? बिकॉज कोई भी एलिमेंटल शेल लोगे टोटल करंट तो सेम ही आएगा ना भाई। सोचो कोई भी एलिमेंटल शेल लूंगा मैं, टोटल करंट तो सेम आएगा। इट इज एज सिंपल एज कि अगर किसी वायर में मैं अगर किसी वायर को ऐसे बड़ा करके दिखाऊं, अगर किसी वायर में करंट बहता हो ऐसे, तो भले ही इसकी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी कितने भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन में आ जाए, पर किसी क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करने वाला टोटल करंट तो सेम ही होगा ना। यस और नो? यस। एंड इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मटेरियल का क्या कहानी है, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड वेरिएशन ले लो, इस क्रॉस सेक्शन को जो करंट काटेगा वो उतना ही करंट इस क्रॉस सेक्शन को काटेगा। क्योंकि वाई, क्योंकि 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 बोलो, कोई तो रीजन होना चाहिए ना। मैंने अभी आपसे कहा कि जितना करंट इसको काटेगा उतना ही करंट इसको भी काटेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि ये मटेरियल का फंक्शन कैसा है, इसका सिग्मा या इसका रोह वेरिएबल है, कांस्टेंट है, कितने भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन में वेरी कर जाए, करंट सेम काटेगा दोनों क्रॉस सेक्शन को। क्योंकि लो एरिया वेरी कर देते हैं, ऐसी बात है तो लो ट्रंकेटेड कर देते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। अब बताओ, अभी तो सेम ही काटेगा ना, क्योंकि अरे यार क्योंकि मतलब किर्चॉफ फर्स्ट लॉ भी हमें क्लियर नहीं है ठीक से। किर्चॉफ फर्स्ट लॉ ही तो लग रही है, इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट। अब ये मत बोलना कि सर क्योंकि किर्चॉफ फर्स्ट लॉ, ये मत बोलना। इज इट नॉट? इज इट नॉट? किर्चॉफ फर्स्ट लॉ एक इंपॉर्टेंट बात कन्वे कर रही है, और वो उस बात का फंडामेंटल रीजन क्या है, दैट इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट। ऐसे पागल थोड़ी किर्चॉफ ने कुछ बोल दिया मानते रहेंगे, रीजन होगा ना उसका, जिसको कन्वे करने के लिए हम ऐसा कह लेते हो कि ओ दिस इज किर्चॉफ फर्स्ट लॉ। दिस इज जस्ट टू कन्वे इट बिकॉज इट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे न्यूटन ने कुछ बातें करी, अपन ने उसको 3 लॉ तोड़ दिया, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। न्यूटन ने कभी 3 लॉ दिए ही नहीं, न्यूटन ने तो कुछ बात कही, हमने उसको कन्वे करने के लिए 3 लॉ बना दिए, सो दैट वो जो मैसेज न्यूटन देना चाहता है वो पहुंचा सकें। इज इट नॉट? इसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट लॉ न्यूटन ने बोल दिया तो बिकॉज न्यूटन हैज सेड या बिकॉज न्यूटन हैज गिवन फर्स्ट लॉ आई शुड रेफर टू दैट। उसका लॉजिक है ना, उसका रीजन है। रीजन बड़ा ही आसान है, बहुत सिंपल है। रीजन ये है कि जब भी करंट फ्लो करता है किसी वायर में, अभी मैं कल भी बात लास्ट क्लास में बात कर रहा था, जब किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो हम ये मान लेते हैं कि वायर की न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब नहीं हो रही है, वायर न्यूट्रल था, न्यूट्रल ही रहेगा। हैज जिस रेट से चार्ज इसके अंदर एंटर हुआ उस रेट से चार्ज दूसरे क्रॉस सेक्शन से बाहर निकलना ही चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, चार्ज एक्यूमुलेशन विल टेक प्लेस। एंड दैट इज माय फंडामेंटल assumption as current flows in a wire, charge does not accumulate anywhere. Neutrality of a wire या neutrality of any circuit element as current flows through it is the fundamental reason, जिसकी वजह से ही तो हो रहा है incoming current is equal to outgoing current। किसी जंक्शन पर incoming current is equal to outgoing current, क्यों भाई, क्यों, for what, why? वाई I1 प्लस I2 शुड भी इक्वल टू I3। वाई? क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्या उस जंक्शन पर एक्यूमुलेशन होने लगेगा है ना, और चार्ज तो मतलब मास भी साथ में, और अगर यहाँ चार्ज एक्यूमुलेशन होने लगे तो पता है फिजिकली क्या हो जाएगा, ये जो जंक्शन है ये इसे फूलने लगेगा है ना, बबल की तरह, ये जंक्शन इसे बबल की तरह फूलने लगेगा और इसमें फटाक से विस्फोट होएगा, फिर बड़ा मजेदार हो जाएगा। बस अपने कुछ नहीं करना, तार जोड़ देना, खत्म कोई बिल्डिंग उड़ानी है तो कुछ नहीं करना, बस कई सारे तार जोड़ के चले जाओ, आधे एक घंटे बाद वो बबल की तरह फूलेगा और फटेगा अपने आप ही। राइट, करेक्ट है? तो बिकॉज चार्ज एक्यूमुलेशन डू नॉट टेक प्लेस एनीवेयर, ऐसा हो जाने की वजह से हम कह सकते हैं कि किसी भी क्रॉस सेक्शन में करंट सेम फ्लो करेगा, है ना भाई। यही बात हम थर्मल कंडक्शन में कहते हैं, स्टेडी स्टेट जब आ जाती है, स्टेडी स्टेट तो किसी भी क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करके जाने वाला हीट करंट dq/dt विच इज -k/dT/dx विल रिमेन कॉन्स्टेंट, एंड दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन k वैल्यूज। के कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, वी हैव केसेस के कांस्टेंट, के वेरिएबल, के डिपेंडेंट ऑन एक्स, के डिपेंडेंट ऑन फलाना ठिकाना, बट देन क्या चीज है जो नहीं बदल रही है, किसी भी क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करने वाला जो हीट करंट है वो सेम रहेगा, क्योंकि आप स्टेडी स्टेट अचीव कर चुके हो। स्टेडी स्टेट का क्या मतलब है, जितना हीट एनर्जी आया किसी क्रॉस सेक्शन पर उतना ही हीट एनर्जी वो क्रॉस सेक्शन ट्रांसफर कर देगा, मतलब अब कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी एलिमेंट या कोई भी क्रॉस सेक्शन हीट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, ये तो मतलब है। राइट, सिमिलरली कोई भी चार्ज एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। सिमिलरली अगर लिक्विड फ्लो की बात करोगे तो जिस रेट से वॉल्यूम आया उस रेट से वॉल्यूम जाएगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, वॉल्यूम एक फट जाएगा ये, है ना। हेंस कंटिन्यूटी इक्वेशन फ्लूइड्स में, उधर कंडक्शन में अपनी dq/dt की इक्वेशन और इधर करंट की इक्वेशन, तीनों एक ही तो हैं, अलग अलग कहाँ हैं, ये तीनों एक ही चीज़ है एक्चुअली, इज इट नॉट। और वो फ्लो रेट इक्वेट कर रही हैं, तीनों बिल्कुल एक जैसी हैं। अच्छा जी, तो मैं आपको ये सब कहानी केवल इसलिए समझाई सो दैट आप अच्छे से समझ सकें कि करंट निकालना था अगर मुझे, तो मुझे इंटीग्रेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। मुझे तो कोई भी एक एलिमेंट देख ले, करंट ही तो निकालना था, इसको देख लेते, इस पर करंट निकाल लेते, बस हो गया करंट। उसके लिए थोड़ी इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ेगी। डू यू अंडरस्टैंड दैट? दैट्स द पॉइंट, राइट। अच्छा जी, खैर, तो दिस वाज वेरी इजी। अब दूसरा क्या पूछा था उसने, नेक्स्ट थिंग क्या था उसने बोला, तो कौन सा आंसर आ गया अपना, 4πr²kE²। कौन सा है पहला, तो ए आंसर आ गया, 4πr²kE², है ना। दूसरा क्या चाहता है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी स्फीयर्स। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी स्फीयर्स चाहिए, है ना। तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी स्फीयर, वी चाहिए। करंट अपने पास आ चुका है, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन स्फीयर। क्या करें तो हमें रेजिस्टेंस मिल जाए तो बात खत्म हो जाएगी, है ना। हमें रेजिस्टेंस का वैल्यू मिल जाए तो काम बन जाएगा। और करंट का वैल्यू मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड E के टर्म्स में आ रहा है, किसी भी क्रॉस सेक्शन पर जो करंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड E के टर्म्स में मुझे दिख रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी स्फीयर निकाल लूँ, और सिग्मा इज इक्वल टू के ई का फंक्शन है मेरे पास। तो अगर इसका रेजिस्टेंस वैल्यू लिखूँ, मान लेते हैं मैं इसका शेडेड पार्ट का, तो इसका रेजिस्टेंस वैल्यू हो जाएगा dr इज इक्वल टू रो, रो की जगह आ जाएगा 1/सिग्मा, विच इज 1/ke, है ना, रोहो इंटू dl, dl की जगह dr, 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 what is dl? dl is, in this case, dr. dl is basically the length along the direction of current, which in this case is dr. So this is like dr divided by 4πr². What is A? A is the area which the current is piercing perpendicularly, is it not? जिसको काटेगा, इसे pierce करके current जाएगा, वो एरिया है। तो ये कितना है, 4πr²। तो dr, the elemental resistance of that part is given by this expression 1/ke, ऐसा ऐसा, है ना भाई। अच्छा जी, तो एक काम करें, यहाँ से E का वैल्यू उठा के वहाँ रख दें, उससे फायदा क्या होगा, रेजिस्टेंस केवल R के फंक्शन में आ जाएगा। अभी रेजिस्टेंस दो लोगों के फंक्शन में, बताओ कौन कौन दो लोग, एक स्मॉल r, एक E भी वेरिएबल है, है ना, ठीक है ना भाई। और मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए नेट रेजिस्टेंस चाहिए पूरे का, हैंस ऑब्वियसली उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि सब लोग सीरीज में आएंगे, है ना। तो अब मुझे केवल E से छुटकारा पाना है, E इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E को यहाँ से उठा लेते हैं, कितना, ये सारी कहानी उठा के मार्क देते हैं, ठीक है जी। तो E हो जाएगा I डिवाइडेड बाय K और 4π, ये तो रूट के अंदर आ जाएगा और R बाहर निकलेगा। तो मैं E को यहाँ रख दे रहा हूँ इस जगह पर। सो dr इज इक्वल टू 1/k, तो ऐसा ही रहा, E की वैल्यू मैंने रखी, तो नीचे में क्या आया, नीचे में तो आया रूट का I, इज इट नॉट, रूट का I, और ऊपर में क्या पहुंच गया, ऊपर में पहुंच गया क्या पहुंच गया, 4πk रूट के अंदर और r बाहर, 4πk तो रूट के अंदर और r बाहर, इनटू पहले से कौन कौन लोग थे, dr डिवाइडेड बाय 4πr²। हरी विद में एक r कैंसिल हो गया, ये वाला r ये वाले r से कैंसिल हो गया, है ना भाई। और नीचे में जो 4πk है, ऊपर में 4πk का रूट है, तो नीचे में रूट आ गया। और अब अगर अपन इसको इंटीग्रेट कर दें, दोनों तरफ इधर और उधर इंटीग्रेट कर दें, तो बस खेल खत्म हो गया, है ना। हैंस द नेट रेजिस्टेंस R कैन बी अंडरस्टूड एज 1/ कितना, अंडर रूट ऑफ 4πk इंटू I, और उधर उधर कितना, ln लिमिट लगा दी ऐसे भी, ln b बाय ए, है ना। तो उधर आ गया ln b बाय ए। दिस इज द नेट रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू I। पोटेंशियल डिफरेंस तो चाहिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस वुड बी नथिंग बट I इंटू R, तो I से मल्टीप्लाई करेंगे तो I ऊपर आ जाएगा रूट पे, है ना। तो कौन सा आंसर आता है वो दिखाई दे रहा है हमें, रूट I डिवाइडेड बाय 4πk log b बाय a, कौन सा, C आंसर आ गया, C आंसर आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस V इज नाउ नथिंग बट I इंटू R, आंसर हो गया C। कैसे बोल, I को E में निकाला, ठीक है ठीक है, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कह रहे हो, बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है, केवल R ही तो है, बिल्कुल सही कह रहे हो। इसको सबको इधर ले जाओ, बिल्कुल ठीक है। E का फंक्शन R में निकाल लो और E को -dv/dr लिख लो, R उधर ट्रांसफर कर दो, इंटीग्रेट, बिल्कुल सही, परफेक्ट, बिल्कुल। तो उसमें क्या रेजिस्टेंस नहीं निकालना पड़ेगा, सीधे ही पोटेंशियल आ जाएगा। एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल कर सकते हैं। बल्कि ज़्यादा इससे भी अच्छा तरीका हुआ है, इसमें तो अपन एक ऐसी चीज़ निकाल रहे हैं जिसका इंटरमीडिएट है, कोई मतलब ही नहीं है, सीधे भी निकाल सकते थे। वेरी नाइस, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना, ऐसा है। अच्छा जी, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़ जाए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 तो पावर पर बेस्ड है ना, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम वगैरह की बात हो रही है। क्या कहती है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम? बोलो, व्हाट इज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम? बोलो, व्हाट डज इट सेज? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, व्हाट डज इट सेज? इट सेज, it says if you are connecting a resistance to a battery having some internal resistance, ऐसे, so this is E and this is R and this is capital R, है ना, करेक्ट है। एंड if अगर ये कैपिटल R वेरिएबल हो जाए तो कैपिटल R को जो पावर मिलेगी वो वेरिएबल होगी ऑब्वियसली, करेक्ट है। इफ कैपिटल R इज वेरिएबल देन दिस पावर इज वेरिएबल, तो ऑब्वियसली देयर मस्ट बी सम वैल्यू ऑफ कैपिटल R फॉर व्हिच कैपिटल R गेट्स द मैक्सिमम पावर, is it not? तो पावर डिसिपेटेड एंड रेजिस्टेंस आर इज मैक्सिमम ऑब्वियसली फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आर। वो पर्टिकुलर वैल्यू कैपिटल आर की क्या है? वो स्मॉल आर के बराबर है ना। तो अपन क्या करें, अपन सर्किट में करंट लिखें विच इज ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर, इसकी पावर लिखें विच इज आई स्क्वायर इंटू आर, राइट। अब पावर हमने कैपिटल आर के फंक्शन में लिख ली, उसको डिफरेंशिएट करके जीरो कर दें। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपको मिलेगा कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। हेंस फॉर कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर द पावर इन कैपिटल आर इज मैक्सिमम। ये मैंने इसलिए बताया ताकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको हमेशा दिमाग में रहे, जब भी आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का इस्तेमाल करें आपको दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि हमने ये रिजल्ट डिफरेंशिएट करके निकाला है ना। और अपन जब अपन ने डिफरेंशिएट किया, फिर से सोचो अपन ने इसकी पावर लिखी, पहले करंट लिखा ई डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है जी। फिर आई स्क्वायर इंटू आर से पावर लिखी, फिर डिफरेंट, जब आपने डिफरेंशिएट किया तो केवल कैपिटल आर को वेरिएबल की तरह लिया है। दैट मीन्स क्या क्या चीज़ें कॉन्स्टेंट हैं? ई और स्मॉल आर। हेंस मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कब नहीं लगेगी? उन परिस्थितियों में नहीं लगेगी जहां ईएमएफ वेरिएबल हो या इंटरनल रेजिस्टेंस वेरिएबल हो। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस वेरिएबल हो गया तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम नहीं लगेगी। अरे उसमें कभी कभी वो ऐसे क्वेश्चन बना देगा जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस वेरिएबल होगी और आपने अगर लगा दी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जब अपन ने डिफरेंशिएट किया तो स्मॉल आर को कॉन्स्टेंट माना है। हेंस अगर स्मॉल आर वेरिएबल हो गया तो ये तो सारा कंक्लूजन ही गलत हो जाएगा ना, राइट, करेक्ट है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम स्मॉल आर कांस्टेंट है, एक बात जो हमेशा दिमाग में रखनी है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमेशा दिमाग में रखनी है, पावर मैक्सिमम किसकी की है? किसकी? कैपिटल आर की, जो वेरिएबल था उसी की, जो वेरिएबल था उसी की पावर मैक्सिमम की है ना। इस पर भी मजेदार मजेदार कभी कभी छोटे मोटे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर मैं आपको इस तरह का एक सिचुएशन दे दूं कि भाई ये है 2 ओम, ये है 2 वोल्ट और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है और ये 3 ओम कर देता हूं, ये आर है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ कैपिटल आर द पावर इन 3 ओम वुड बी मैक्सिमम? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ कैपिटल आर पावर इन 3 ओम वुड बी मैक्सिमम? द आंसर वुड बी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ कैपिटल आर पावर इन 3 ओम वुड बी मैक्सिमम। अब वेरिएबल है ये और पावर मैक्सिमम कर रहे हो इसकी, समझ रहे हो, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम नहीं लगेगी और आंसर आएगा 0, क्योंकि ये तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। इसकी पावर मैक्सिमम तब होगी जब करंट मैक्सिमम होगा, और करंट मैक्सिमम तब होगा जब सर्किट का रेजिस्टेंस कम से कम होगा, और सर्किट का रेजिस्टेंस कम से कम करने के लिए कैपिटल आर की क्या वैल्यू ले लूं? 0, सब सीरीज में। ये दोनों तो फिक्स हो गए, समझ रहे हो ना। अगर आपने आंख बंद करके मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लगा दिया, अच्छा ऐसा करते हैं, इसको अंदर ले जाते हैं, 5 ओम हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस, कैपिटल आर बराबर 5, आपने आंसर लिख दिया, आर बराबर 5, खत्म खेल, है ना, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? धोखा हो जाता है इसमें, है ना। तो बहुत ध्यान से हमें कोई भी इस तरह की थ्योरम, क्योंकि कंडीशनल होती हैं बातें, ये जनरलाइज सिचुएशन नहीं है, ये कंडीशनल सिचुएशंस हैं, तो वो कंडीशंस हमें ठीक से समझ में आनी चाहिए तो हम इसका फायदा उठा पाएंगे, नहीं तो इन्हीं चक्करों में मर जाएंगे। इससे तो किसी को नहीं पता होती ना ये, तो वो ज्यादा आराम से कर पाता कोई बेचारा इनोसेंट बच्चा, उसको उसने अपने जीवन में नाम भी नहीं सुना कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या होती है, वो सही कर देगा इस क्वेश्चन को यही तो होता है और जो बेचारा खूब सारे क्वेश्चन इस पर करके गया वो इतना भरा हुआ है अंदर से कि बस दिख जाए एक बार पावर का क्वेश्चन करना क्या है तो मुझे पहले से पता है ना, तीर कमान सब तैयार है मेरे पास, बस मुझे दिख जाए कोई, आपने उठा के पेल दिया उसमें मैक्सिमम पावर, जबरदस्ती लगनी नहीं थी ऐसा है। तो अपने को दोनों बातें, अपने को अपने अस्त्र शस्त्र हमारे साथ तैयार भी होने चाहिए और हमें यह भी समझ में आना चाहिए कब इनका इस्तेमाल करना है कब नहीं करना है। दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, चलाना भी आना चाहिए और कब चलाना ये भी आना चाहिए। तलवारबाजी सिखा दी, अब तुम तो निकल गए सड़क पर, खून खच्चर कर देना तो खतरनाक हो जाएगा ना। अच्छा जी, खैर नाउ लेट अस लुक एट दिस। तो ये हमसे क्या कह रहा है, तो फिगर शोज द नेट पावर डिसिपेशन इन कैपिटल आर, ये रहा वेरिएबल रेजिस्टेंस आपका, नेट पावर डिसिपेशन इन कैपिटल आर वर्सेस द करंट इन ए सिंपल सर्किट एज शोन। ओके जी, तो ये सिंपल सर्किट है कह रहा है तो मान लेते हैं। तो पावर और ये रहा कौन, करंट। तो पावर वर्सेस करंट का ग्राफ दे रहा है मुझे, इस ग्राफ से मुझे ये दिखाई दे रहा है, और पावर किसकी है, पावर डिसिपेटेड इन आर, इज इट नॉट, पावर डिसिपेटेड इन आर है ना। तो इसकी पावर डिसिपेट हो रही है और कुछ नहीं बोला, तो क्या मैं स्मॉल आर को कांस्टेंट ले लूंगा, ई को भी कांस्टेंट ले लूंगा। हेंस क्या मैं कहूंगा कि आर में पावर डिसिपेटेड मैक्सिमम तभी होगी जब ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लग जाएगी, है ना। एंड एज पर द क्वेश्चन ही सेइंग दैट 5 एम्पियर का करंट जब सर्किट में बहता है तब पावर आती है 5 वॉट की और उस समय पावर मैक्सिमम होती है, एज आई कैन रीड फ्रॉम दिस ग्राफ, है ना। ये सब बातें कह रहा है, तो क्लियरली मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लग रही है या लग जाएगी। हेंस वो जो मैक्सिमम पावर है पी मैक्सिमम, वो मैक्सिमम पावर कब होगी, वो तब होगी जब कैपिटल आर का वैल्यू स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा। और जब मैक्सिमम पावर हो रही है उस समय करंट कितना बह रहा है वायर में, एज पर दिस ग्राफ 5, और उस समय पावर की वैल्यू क्या है, पावर की वैल्यू भी है 5। अब अगर मैं पावर को I² R से लिखूं, सही बात है, पावर है ही क्या, इसकी पावर है ही क्या, I² R। आई की वैल्यू पता है मुझे, तो क्या कैपिटल आर आ गया, और उस समय कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर है तो क्या स्मॉल आर आ गया, है ना। हेंस दिस पावर इज इक्वल टू I² विच इज 5 का स्क्वायर I² मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल आर, राइट। हेंस आई विल कंक्लूड कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर इज इक्वल टू कितना, 1/5 ओम, है ना। ये मेरा पहला कंक्लूजन हुआ। तो आंसर है इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऑप्शंस हैं ये, तो आंसर है ए बी और तीसरा आंसर है डी ही है ना, हाँ डी, ए बी और डी, तीसरा आंसर है डी। तो अभी अपन ने कौन सा आंसर निकाल लिया है, ए निकाल लिया है ना। तो हमने निकाल लिया है कि द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.2 ओम, ठीक है जी। अब आ जाते हैं EMF क्या है, और फिर कहता है 2 एम्पियर पर पावर बता दो बैटरी का EMF, बोलो क्या करें, बैटरी का EMF क्या होगा। अब आपको कैपिटल आर पता है, स्मॉल आर पता है, करंट पता है, क्या बैटरी का EMF निकाल सकते हैं, है ना, करेक्ट है ना। तो आपको पता है सर्किट में करंट कितना है 5 एम्पियर का, और आपको दोनों की रेजिस्टेंस पता है कितनी 1/5, दैट मीन्स 0.2 एंड 0.2। हेंस द करंट इन द सर्किट इज इक्वल टू EMF E डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। दिस इज द जनरल स्टोरी, जिसमें से जब मैक्सिमम पावर हो रही है तो कैपिटल आर स्मॉल आर आपस में बराबर हो गए हैं और करंट कितना हो गया है 5 एम्पियर्स, राइट। है सबको इधर ले जाते हैं, तो करंट 5 हो गया है इन 2, और कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कितना हो जाएगा 2/5 इज इक्वल टू ई 2 वोल्ट्स, राइट। तो कहाँ गया, हाँ 2 वोल्ट आ गया। फिर कहता है सी आर एट विच पावर इज 5 वॉट, रेजिस्टेंस आर की वैल्यू जब पावर 5 वॉट है 2.5 ओम है, बिल्कुल गलत है, कितना है 0.2 ओम, है ना। तो सी तो गलत ही हो गया। डी कहता है 2 एम्पियर करंट जब हो जाए तो पावर इतनी है, देखें जरा 2 एम्पियर करंट जब हो जाए, तो 2 एम्पियर करंट जब हो जाए, 2 एम्पियर करंट कहाँ है, ये रहा। तो 2 एम्पियर करंट जब हो जाए सर्किट में तो पावर की जो वैल्यू है वो पावर की वैल्यू है ये, क्या करें 2 एम्पियर करंट जब हो जाए तो पावर क्या होगी। तो अब प्रॉब्लम समझना, कैपिटल आर चूंकि वेरिएबल है तो अपने को कैपिटल आर नहीं पता है, कैपिटल आर वेरिएबल है, डू यू अंडरस्टैंड। ये जो कैपिटल आर की वैल्यू है ये तो एक पर्टिकुलर मोमेंट, एक पर्टिकुलर सिचुएशन हुई जब करंट 5 एम्पियर हुआ और पावर मैक्सिमम हुई, उस समय कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर है। अब जब करंट का वैल्यू 2 एम्पियर होगा या कुछ भी और होगा XYZ, तो कैपिटल आर तो वेरिएबल ही होगा ना। तो कैपिटल आर क्या है तो पता नहीं मुझे, है ना। मुझे इस तार में करंट पता है पर कैपिटल आर नहीं पता है, और मुझे इसकी पावर निकालनी है। ऑब्वियसली मैं तब तक नहीं निकाल सकता जब तक मुझे रेजिस्टेंस ना पता हो, है ना। पर अगर मैं ऊपर वाले सर्किट को देखूं तो क्या ऊपर वाले सर्किट में जो बैटरी है उसका EMF पता चल गया अपने को कितना, 2 वोल्ट। तो ये जो बैटरी है इसका EMF कितना है 2 वोल्ट, इज इट नॉट। और ये जो रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू तो फिक्स ही है ना, और वो कितनी है 0.2 ओम। ये दो चीजें थोड़ी बदल रही हैं, बदल कौन रहा है, ये बदल रहा है, वो दो चीजें तो नहीं बदल रही है ना। और उस समय करंट कितना है 2 एम्पियर्स, तो उस समय सर्किट में करंट है 2 एम्पियर्स। हेंस कैन यू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट, एंड एज पर किर्चॉफ वही पोटेंशियल डिफरेंस तो नीचे भी होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए तो क्या पावर आप आई इंटू वी से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हेंस व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट, इट वुड बी ई माइनस आई आर, इज इट नॉट, ई माइनस आई आर, सो इट इज लाइक 2e which is 2 minus i which is 2 into 0.2. Is it not? 2 minus of 0.4 which is 1.6. So 1.6 is the voltage, 1.6 is the voltage and 2 ampere is the current. How much is the power? 3.2. सही है? तो क्या अगला ऑप्शन जो कह रहा है 3.2 वाट सही कह रहा है, सही बात है, करेक्ट है। प्रॉब्लम समझ रहे हो, कहाँ फंसाना चाहता है, यहाँ फंसाना चाहता है। हम बचेंगे ही नहीं, हम क्यों बचेंगे, हम ऊपर से देखेंगे क्योंकि ये फिक्स है, ये फिक्स है, क्यों देखेंगे इसको ऊपर से अब तुम मुझसे ये पूछो कैपिटल आर कितना, मैं बताता हूँ कैपिटल आर कितना। जब सर्किट में करंट 2 एम्पियर है तब कैपिटल आर कितना ये पूछो मुझसे, मैं बता दूंगा क्योंकि मुझे करंट पता है, वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस बता दूंगा मुझे से, इज इट नॉट। ऐसा वो पूछा नहीं उसने, क्योंकि अगर वो पूछ लेता तो आपको हिंट लग जाता, बहुत चालाक है ना, वो आपके जहन तक जाने ही नहीं देना चाहता ये बात कि जिस समय ये पूछा मैंने उस समय रेजिस्टेंस का वैल्यू ये नहीं होगा, यही तो करवाना चाहता है ना, हम क्यों करेंगे ऐसा।